हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं 2003 से उसके आगे जो भी क्वेश्चन है 91 तक जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, ये एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, समझना। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन हमें एक बहुत अच्छा नॉलेज दे के जाएगा। ठीक है, तो एक बॉल को अगर मैं ऊपर फेंका, यहाँ से एक मैं बॉल को ऊपर फेंक दिया, तो ये वापस आएगा यार, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। अगर इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, जो भी कैपिटल टी लगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये ऊपर जाएगा। अब ये जो लास्ट के टी सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस चलेगा उसे हमें निकालना है। जो लास्ट के टी सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट का जो टी सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है एस, उसका हमें कैलकुलेशन करना। अब इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ से इधर से अगर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत लेंदी होगा करने में। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये निकाल लो कि ऊपर से इसको सोचो, इधर से फेंका गया था, ठीक है ना, कॉमन सेंस है ना, तो है तो लगाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कंसीडर कर लो ऊपर से, यस इज इक्वल टू यूटी अगर अपर पार्ट से लगा दो तो ये एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऊपर से लगा देता हूँ, ठीक है, ऊपर से टॉप से यहाँ से इधर लगा दिया, तो यहाँ यू जीरो हो जाएगा, और यही तो टाइम टी है। ठीक है, तो यू जीरो हो जाएगा, तो टाइम टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक लाइन में इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगर तुम नीचे से काउंट करते हो तो तुम करके देखना कितना टाइम लगेगा इसको करने में। ठीक है, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, अगर लास्ट के एक सेकंड में अगर टी की वैल्यू वन हो तो ये बहुत एक नॉलेजेबल चीज़ है। अगर टी की वैल्यू वन हो मतलब लास्ट के वन सेकंड में, लास्ट के वन सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वन हाफ जी और टाइम टू इज इक्वल टू फाइव मीटर, तो ये जो चीज़ है वो देख रहे हो एक कॉन्स्टेंट है। आप किसी भी बॉडी को ऊपर फेंक देते हो, किसी भी बॉडी को ऊपर फेंक देते हो तो लास्ट के जो वन सेकेंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही होता है। आप ये कितने भी स्पीड से क्यों ना फेंक दो, एक बॉडी को मैं 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया और एक बॉडी को मैं 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया, लेकिन लास्ट के एक सेकेंड में ये थोड़ा और ऊपर गया होगा, एक थोड़ा और ऊपर, लास्ट के एक सेकेंड में ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वन सेकेंड इन लास्ट, ये जो 1 सेकेंड इलाज में, ये तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही होता है, तो ये 5 मीटर ही होगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये यू पे इनडिपेंडेंट है। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा नॉलेज है ये काइनेमेटिक्स में, कि अगर ये कितनी भी वेलोसिटी से ऊपर फेंक दो लास्ट का 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट वो 5 मीटर ही होता है।